वेलकम टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आज सीखेंगे बंचिंग बिड कैसे करना है और बंचिंग बिड में क्या क्या होता है और कैसे होता है और बिड और बंचिंग बिड का डिफरेंस क्या है। आज का लेसन में सीखेंगे बिड एक होता है, एक कोई भी सिंगल आइटम आप खरीदना चाहता है हेवी क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल है कोई चेयर खरीदना चाहता है, रिवॉल्वर चेयर खरीदना चाहता है, एक ही चेयर है आपको 1000 क्वांटिटी चाहिए, आप सीधा बिड में जाइए, चेयर को सेलेक्ट करिए, आपको बिड प्रोसेस शुरू करिए। ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट का होता है बिड। ये आपका वही बिड में जो फर्नीचर आइटम है, रिवॉल्वर चेयर भी चाहिए, टेबल्स भी चाहिए और जो भी फर्नीचर का आइटम्स है वो सब चाहिए, सब मिला के आपको एक बिड करना है, उसी को बोलता है बंचिंग बिड प्रोसेस। चलो शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे बंच बिड होता है। वीडियो लंबा हो सकता है, स्किप मत करना। स्किप इसलिए नहीं करने बोल रहा हूं जब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए स्किप मत करें। चलो शुरू करते हैं। ये है बंच बिड प्रोडक्ट। आप लॉगिन करिए आपका बायर का आईडी से, फिर उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालिए और सबमिट करिए, ये सब सभी को पता है। फिर उसका डैशबोर्ड में आइए, आप यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए। यहाँ हम करेंगे डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स का बंच बिट। चलो मैं सर्च बार में मारा, अब दिखा रहा होगा यहाँ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का क्लिक किया, फिर बिड में क्लिक करिए, फिर उसके बाद आपका कंसाइनी सेलेक्ट करिए, उसका जितना क्वांटिटी चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, फिर आपका जो फिल्टर से यहाँ है जितना भी है मेक इन इंडिया, MSC, स्टार्टअप, जितना भी जो टर्नओवर स्पेसिफिकेशन जितना भी है आप इसमें डालिए। और इसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, आप जो डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए उसमें क्या क्या चाहिए, कितना रैम चाहिए, क्या चाहिए, केबल कितना चाहिए, उसका वायरलेस माउस चाहिए, जो भी चाहिए उसमें आप स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके एक आइटम को आप ऐड टू कार्ट करिए, ठीक है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां हम पहले ही बिड एंड आरएम में टिक मार दिया, आपको यहां स्क्रीन दिखाएगा डायरेक्ट ऐड टू कार्ट। जब यहां क्लिक नहीं मारा, आपको कंपेयर करने के लिए तीन आइटम को कंपेयर करके आगे जाना है, ठीक है। हम तो पहले ही चुन लिया, हम बंचिंग बिड करना है, हम सीधा पहले बिड एंड आरएम को टिक मार के पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को ऐड करिए, ठीक है। ये नहीं आप उस टाइम देख ले, अरे इसका रेट इतना ज्यादा है, इसका रेट कम है, ये रेट से आपका अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जितना भी सेलर पार्टिसिपेट्स करेगा, जो एलोन आएगा, जो कम रेट आएगा वही रेट का आपको मिलेगा। ये नहीं है आपको यही रेट का आपको सब चीज में आना है। चलो शुरू करते आगे। फिर इसके बाद स्पेसिफिकेशन डाल दिया, प्रोसीड कर दिया, फिर जितना भी गोल्डन पैरामीटर से उसको सेलेक्ट कर दीजिए, फिर इसके बाद प्रोसीड करिए, फिर ऐड टू कार्ट में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐड हो चुका है, ठीक है। फिर यहां से ध्यान रखने, यहां तक अभी देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं, यहां तक ये हो गया इस सिंगल बिड की प्रोसेस। यहां से सिंगल बिड भी हो सकता है, बंच बिड भी हो सकता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहां जाने के बाद मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप यहां एक बार ध्यान से सुनिए, व्यू ऑल कार्ट में जाइए, जाके एक बार देखिए जो इस कॉन्टैक्ट को, सॉरी इस कंप्यूटर को वहां सेलेक्ट करंट कार्ड का टिक मार होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे चलिए, फिर डैशबोर्ड का क्लिक करके फिर दूसरा आइटम आप सेलेक्ट करिए, वही सेम कैटेगरी को होना चाहिए, कंप्यूटराइज का जो भी आइटम्स होता है उसका आइटम को दोबारा सर्च करिए।
अभी आ गया कीबोर्ड, कीबोर्ड हम सर्च कर रहे हैं, फिर सेम प्रोसेस है इसी में भी। आप कंसाइनी सेलेक्ट करिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, यह ध्यान से सुनिए। आप सब सेलेक्ट कर दिया, कंसाइनी सेलेक्ट कर दिया, स्पेसिफिकेशन भी डाल दिया, यह देखिए ऐड टू करंट कार्ड। जो ऐड टू करंट कार्ड जब तक नहीं, ऐड टू करंट कार्ड आ गया इसका मतलब इस कैटेगरी पूरा एक ही है, मतलब जो पहले डेस्कटॉप किया वो और ये कीबोर्ड कैटेगरी एक ही है, इसलिए आपको ऐड टू करंट कार्ड आता है। ये नहीं आप वहां कोई इलेक्ट्रिकल आइटम मार दिया, यहां आपको ऐड टू करंट कार्ड नहीं आएगा। जब ऐड टू करंट कार्ड नहीं आएगा क्या आएगा, ऐड टू कार्ड आएगा। जब ऐड टू कार्ड आएगा तो अलग कार्ड बन जाएगा, वो अलग कार्ड बनेगा तो बंच नहीं होगा, इसलिए ऐड टू करंट कार्ड मतलब जो ऑलरेडी एक कार्ड में था उसका नीचे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको स्पेसिफिकेशन जो भी है डाल के, गोल्डन पेन में सब डाल के सेम प्रोसेस आगे करिए। फिर करने के बाद देखो यह ऊपर दिखा रहा होगा मल्टी कार्ड, ये दोनों ऐड हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी ऐड हो गया, आपका कीबोर्ड भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद ऐसे जितना भी आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं वही ये कैटेगरी एक ही होना चाहिए, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कैटेगरी एक ही होना चाहिए। कंप्यूटराइज हो तो कंप्यूटराइज का ही चलना चाहिए, फर्नीचर हो तो फर्नीचर का ही चलना चाहिए, स्टेशनरी तो स्टेशनरी का ही चलना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए इसको। फिर उसका प्रोसीड चेकआउट करिए, सब ऐड करने के बाद यह एक्सेप्ट करिए, यह देख लो यह बिड होगा। यह बिड किस किस का हो रहा है, कंप्यूटर का भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इस दोनों मिलके हो रहा है। जितना भी आप ऐड करते हैं उतना आपका लिस्ट ऐसे लंबा होगा। फिर बिड का क्लिक करिए, फिर उसका बिड प्रोसेस शुरू करिए, इसको कन्फर्म करिए। फिर देखो बिड प्रोसेस शुरू हो गया, वही बंचिंग बिड का प्रोसेस शुरू हो गया। देखो एक आइटम यहाँ ऐड हो गया, एक आइटम यहाँ हो गया, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और कीबोर्ड, और कोई चाहिए तो माउस, कोई चाहे तो हार्ड डिस्क, जितना भी ऐड कर सकते हैं उतना ऐड होता रहेगा, जो ऐड किया तो आप। चलो इसको क्लिक करिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को, फिर इसको स्पेसिफिकेशन पूरा पढ़िए जो हम लोग डाला था सब सही है कि नहीं। फिर इसके बाद आपका उसके अलावा भी कोई एडिशनल स्पेसिफिकल पैरामीटर्स डालना चाहता है, यहाँ क्लिक करिए ऐड न्यू स्पेसिफिकेशन में करके यहाँ लिखिए जो भी आपका पैरामीटर्स क्या चाहिए और उसका रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, ठीक है। फिर सेव करिए, सेव करके फिर आगे बढ़िए, फिर दूसरा क्लिक करिए, फिर उसके बाद इसका भी सेम प्रोसेस है, डिलीवरी पेड डाल दीजिए, फिर सेव करिए, फिर कंसाइनी सेलेक्ट कर कंसाइनी चेक करिए एक बार, सेव करिए, फिर दूसरा भी सेम। फिर उसके बाद आपका बिड ओपनिंग का टाइमिंग जितना होगा, आप जिसका जितना दिन का बाद ओपन कर रहा है उतना दिन का डाल दिए, मतलब आज पब्लिश करेगा तो 10 दिन का, 11 दिन का, 12 दिन का ओपन करने के लिए एक प्रोसेस है, इसको क्लिक करिए। फिर उसका ऑटोमेटिकली टाइम लिमिट सब सेट कर देंगे, और ऑफर वैलिडिटी जितना दिन चाहिए उतना दिन डालिए, और यह सेलेक्ट एवलेशन मेथड, आप एवलेशन कैसे करना चाहते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ एवलेशन आइटम वेज, मतलब आइटम वेज चाहिए तो आइटम वेज आप कर सकता है, नहीं तो टोटल वैल्यू के ऊपर भी आप कर सकते हैं। चलो टोटल वैल्यू के ऊपर चलते हैं, यह आप लिखिए बिड एस्टिमेशन वैल्यू, जितना आपका एस्टिमेशन वैल्यू है, फिर ओके करिए। देखो ऐसा आइटम वाइज कंसर्न ऐसे दिखा रहा है आपको, फिर इसके बाद जितना भी आपको टर्नओवर्स एक्सपीरियंसेस जो भी आपको चाहिए ये सब आप डालिए, और कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से यहाँ डालिए, और एमएसएमई और स्टार्टअप का कोई आप छूट देना चाहता है जो भी है आप उसमें डालिए। यह आपको ध्यान से सुनिए, मैं इससे पिछले एक वीडियो बनाया था नया अपडेट आया बोल के, उसमें नया पॉलिसी आया था, उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में सभी जितना भी इसका पॉलिसी का जो टेंडर का जो पर जितना भी पॉलिसी उसमें है नया लेटेस्ट है, अभी सितंबर 11 को अपलोड किया हम लोग, उसको पढ़ते हुए इसको आप डाल सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है क्या करना क्या नहीं करना, जो ईएमडी रिक्वायरमेंट हो ईपीबीजी रिक्वायरमेंट हो वो डालिए अपने हिसाब से, वो भी पॉलिसी आपको उसमें ले, जितना का ऊपर ईएमडी लगता है, जितना का ईपीबीजी लगता है, जितना आपका एस्टिमेशन वैल्यू के ऊपर लगता है, वो सब उसमें है, इसलिए वो वीडियो पक्का देखिए। फिर इसके बाद अपना बैंक डिटेल जो भी आप डाल के
सबमिट करिए ईएमडी और ईपीबीजी, ये सब पार्ट सप्लाई चाहे तो जो पार्ट सप्लाई की एक्सेप्ट करिए, नहीं तो फुल सप्लाई की। पार्ट सप्लाई मतलब पार्ट सप्लाई में आपको पहले 10 चाहिए, फिर उसका 25 चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलो वो छोड़ दिया, आपको पूरा टोटल सप्लाई लेने से ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका एमए और एमएसएमई। एमए के बाद मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स का, और एमएससी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए छूट दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए आप देना पड़ेगा। वो भी पॉलिसी आपको मिल जाएगा उसी में जो पिछले वीडियो में मैं जो किया था। फिर ये सब चीज डालिए, जो भी आप रिक्वायरमेंट मांगते रहते सब चीज जानते, फिर फाइनल में पहुंच गए बिड बंचिंग में। फिर इसको आपका टर्म्स एंड कंडीशन जो भी डालना डालिए, इसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन है, आप क्या मांगना चाहता है उनसे सब उसी में है, और सबमिट करिए और आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करिए और ओटीपी डाल के पब्लिश करिए। बस यही है बंचिंग बिड का फुल प्रोसेस है। आप उसको एक एक चेक करने से आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप बंच बिट काल डाल सकते हैं। बंच बिट में फायदा यही है, पूरा आइटम बंच कर सकते हैं कैटेगरी का, एक ही सप्लायर में जाएगा, एक ही सप्लायर होगा, एक ही सप्लायर आपको पूरा सामान दे देगा। नहीं तो एक एक आइटम आप एक एक आइटम खरीदने से आपको बहुत सप्लायर चलते रहेगा, बहुत दिक्कत होगा उसमें, वो रूल का एग्नेस्ट भी हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको बंच बिट करने के लिए कोशिश करिए, पहले आप सुन लिए कितना आइटम चाहिए हमारे को, एक एक कैटेगरी का सेलेक्ट करिए, तब आप बंच बिट का प्रोसेस करिए। और जो पॉलिसी का बात करो तो मैं पिछले वीडियो में पॉलिसी का बना रखा हूँ, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको पक्का आपको वो वीडियो आया होगा। जब सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मेरा वीडियो आएगा नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ सब चीज आपको अच्छी तरह, मैं सोच रहा हूँ अच्छी तरह से आपको समझा रहा कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब पक्का करिए। चलो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।